नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। बलरामपुर जिला के कुसमी शिव चौक स्थित शिव महिमा मेडिकल स्टोर को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, खंड चिकित्सा अधिकारी और थाना प्रभारी कुसमी की संयुक्त टीम के द्वारा सील किया गया। एसडीएम करुण डहरिया ने कहा कि भकलू राम निवास मधगुरी कर्रा डाड की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। बीमार होने के बाद शिव महिमा मेडिकल स्टोर से दवा लिया गया था, जिसकी सूचना मिली है। उसको इंजेक्शन भी लगाया गया था, डॉक्टर के द्वारा पीएम किया गया है। एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत की वास्तविक कारणों की जानकारी प्राप्त होगी। एहतियात के तौर पर जब तक जांच पूरी नहीं होती है, तब तक शिव महिमा मेडिकल स्टोर को सील किया गया है। इस संबंध में कुसमी बीएमओ सतीश पैकरा ने कहा कि समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। हमारे डॉक्टर के द्वारा 23 तारीख को पोस्टमार्टम किया गया है। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पूरी निवासी भकलू राम की मृत्यु जो है होने की सूचना प्राप्त हुई थी और उक्त व्यक्ति के द्वारा जो है बीमार होने के पश्चात जो है शिव महिमा मेडिकल स्टोर से दवाई लिया गया था और ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि वहां उसको इंजेक्शन भी लगाया गया था और उसके पश्चात ही उसकी मृत्यु हुई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। और संबंधित व्यक्ति को जब हॉस्पिटल लेकर गया गया तो उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर के द्वारा पीएम किया गया है, उसके बिस्तर को प्रिजर्व करके रखा गया है। एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की जानकारी जो है हो सकती है। एहतियात के तौर पर जब तक जो है जांच पूर्ण नहीं होती है, तब तक जो है शिव महिमा मेडिकल स्टोर को जो है आज सील बंद किया गया है। सर, पूरा वीडियो संज्ञान में आया है, अब वीडियो के संबंध में जो है पृथक से जांच कराई जाएगी कि वीडियो की सत्यता क्या है, वीडियो कब का है इत्यादि संबंध में पृथक से जांच कराई जाएगी। को रोकने के लिए हमारे द्वारा जो है सभी मेडिकल संचालकों की बैठक लेकर भी उनको समझाई दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति जो है अवैध रूप से या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे या फिर लाइसेंस नहीं होने के बावजूद ना तो मेडिकल दवाई दुकानों का संचालन करेंगे और ना ही जो है किसी क्लिनिक का संचालन करेंगे। प्रकार की घटना संज्ञान में आई है तो उसमें कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि उन्होंने दवाई दी थी, उसकी वजह से मौत हुई है करके, ठीक है। हमारे द्वारा 23 जुलाई को हमारे चिकित्सक के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है उनका और बिस्तर प्रिजर्व किया गया है। बाकी मौत के वास्तविक कारण का पता बिस्तर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। मन में तो हमारे पास कोई अभी तक आधिकारिक या वो कुछ जानकारी ऐसा नहीं है, तो अगर ऐसा हुआ है तो इसमें जाँच की जाएगी, जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।